नमस्कार देशवासियों, आज शनिवार है, आवाज का वक्त है, आवाज का कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं और आज एक बहुत पिन पॉइंटेड मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। बीते 2-3 सालों से इस मुद्दे पर जब भी बात होती है तो एक काउंटर आर्गुमेंट आता है कि ये राइट विंग प्रोपेगेंडा है और एक मशीनरी काम कर रही है, लेकिन इस मशीनरी, इस प्रोपेगेंडिज्म की वजह से चीजें सीधे तौर पर सामने नहीं आ पाती। लेकिन इस बार एक ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर आज बात कर रहे हैं और हर तरफ बात हो रही है, तो आज वो आवाज सामने आ चुकी है जिस आवाज को कई दफा दबाने की कोशिश की गई। लव जिहाद का जो एक शब्दावली है, लव जिहाद, जो दरअसल दो वर्ड्स, दो से मिलकर इस तरह से बनता है, लेकिन अपने भीतर कितनी कसक, कितना कुछ समेटे बैठे हैं, इसको समझना होगा। दर्शकों, रुड़की उत्तराखंड के अंदर एक जगह है, रुड़की। रुड़की में एक ऐसी घटना हुई जो एक बार फिर सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। रुड़की में एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ एक होटल में पहुंचता है। He went inside with her. अंदर जाता है, रुकता है, कुछ समय के बाद एक बड़ा सा सूटकेस लेकर वो बाहर निकलता है, बड़ा सा सूटकेस लेकर। लोगों को शक होता है, लोग उसको रोकते हैं, सूटकेस की जांच होती है तो सूटकेस में उसकी प्रेमिका डेड। व्यूअर्स, जो वो लड़का था वो एक अलग धर्म विशेष का था, लड़की अलग धर्म विशेष की। इसको लेकर एक बार फिर जो चर्चा है, जो बहस है, जो डिबेट है, वो एक बार फिर आग पकड़ गई। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव मैटर है, बहुत सेंसिटिव मैटर है, इस पर बात मत करिए, सेंसिटिविटीज की बहुत हाई है, सेंसिटिविटी के रेट को समझिए। तो आज आवाज में हम पूछ रहे हैं कि क्या कोई टूथपेस्ट है, कोई टूथपेस्ट है जिसकी सेंसिटिविटी को चेक किया जाएगा, जो बहुत सेंसिटिविटी के लिए काम करता है। तो इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पिछले 1-1.5-2 वर्ष पहले का अगर एक छोटा सा भी डेटा अगर हम चेक करते हैं, और आज उस डेटा को चेक करने का वक्त है, इसलिए उस डेटा को चेक कर रहा हूं। 26 अक्टूबर 2020 को 21 साल की एक लड़की जिसका नाम था निकिता तोमर, उसको गोली मारी गई। किसके द्वारा? तौफीक के द्वारा, फरीदाबाद के ब्रॉड डेलाइट कॉलेज के बाहर मोलेस्टेशन और स्टॉकिंग अगेंस्ट तौफीक का उसने केस दिखाया था। इतना ही नहीं, 17 अक्टूबर 2020 को के राधिका, उसको किसने मारा? उसको मारा था सैयद मुस्तफा, जो कि उसके दोस्त और उसके जो दोस्त है उसका दोस्त था और उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने उसको मार दिया, उसकी गर्दन काट दी। 22 सितंबर 2020 को दर्शकों, 23 साल की एक लड़की, नाम था प्रिया सोनी, उसकी गर्दन काट दी। किसने? उसके पति ने, नाम था एजाज अहमद, सोनभद्र की घटना है। क्यों? क्योंकि वो अपना धर्म बदलना नहीं चाहती थी। जुलाई 2020 शमशाद, उसने अपनी हिंदू पत्नी जिसका नाम प्रिया था उसको भी मार दिया, उसको भी, और जो उसकी बच्ची थी उसको भी मार दिया। क्यों? धर्म नहीं बदल रहे थे। जून 2020 टिकटॉक की एक सेलिब्रिटी शिवानी, हरियाणा की रहने वाली, उसको उसके दोस्त सो कॉल्ड आरिफ, उसने उसको मार दिया और उसकी बॉडी मिली ब्यूटी पार्लर में। फरवरी 2020 सद्दाम हुसैन, उसने रामा दे को मार दिया, उसकी बेटी रिया दे को मार दिया जलाकर, दोनों के साथ उसका अफेयर था। जनवरी 2020 अयाज अहमद, उसने अपनी बीवी रेशमा मंगलानी को सर पर ईंट से कुचल कुचल के मार दिया, क्योंकि वो फेसबुक पर एक्टिव रहती थी, फेसबुक पर। जुलाई 2019 एक मॉडल खुशी परिहार, उसको नागपुर में मार दिया। किसने? उसके बॉयफ्रेंड ने, नाम था अशराफ शेख, उसके सर पर ईंटों से मार मार के उसको मार दिया। लेकिन दर्शकों, जब मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं, 2020 के आंकड़े नहीं बता रहा हूं, 2022 का आज की भी खबर हटाई है, लेकिन आप किसी से भी पूछेंगे लव जिहाद को लेकर बात करें सर, लव जिहाद को लेकर मुकदमा लिखवाएं सर, तो कहेगा नहीं भाई, लव जिहाद तो है ही नहीं, ये तो दरअसल इंटरफेथ मैरिजेस का एक लवली फेरी टेल है। दे विल से इट,
ये तो इंटरफेयर मैरिजेस आर लवली फेरी टेल इवेंट्स वेयर द मुस्लिम मदर इन लॉ बायज तनिष्क ज्वेलरी फॉर द प्रेगनेंसी रस्म फॉर आर हिंदू डॉटर इन लॉ। तो आपको जो ये एडवर्टीजमेंट्स है ये दरअसल ये दिखाएंगे कि देखिए कितनी अच्छी चीज है ये इंटरफेथ मैरिजेस जो है, ये जो अलग अलग संप्रदाय और जो धर्म की जो मैरिजेस हैं, इसमें दिखाएंगे आपको कि कितना अच्छा है। देखिए एक महिला, एक सास अपनी बेटी के लिए रस्म अदायगी के लिए देखिए किस तरीके से ज्वेलरी लेकर आएगी, इस तरीके से इसको पेंट किया गया है। लेकिन आज की जो घटना है वो आपको मैंने बताई कि किस तरीके से हिंदू बेटियों का, एंड टू बी स्पेसिफिक नॉन मुस्लिम बेटियों के साथ ये लव जिहाद का जो गेम है, इट इज नॉट अ मिथ बट इट इज ट्रू। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे सीधे मेरे साथ फोन लाइन से आज जुड़ेंगे। नाम होगा यति नरसिंहानंद गिरी महाराज का। तो लोगों ने तो ये तक कहा कि हेट स्पीच के मामले में कुछ दिनों पहले अंदर भी गए थे यति महाराज जी, तो आज उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये मैटर इतना सेंसिटिव क्यों होता जा रहा है। क्या कोई टूथपेस्ट है, क्या कोई टूथपेस्ट है जो उसकी सेंसिटिविटी को चेक करके ही इस पर काम कर सकते हैं? क्या कोई टूथपेस्ट है जो उस पर चर्चा नहीं कर सकते, जो उस पर बात नहीं कर सकते? और दर्शकों, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है जो ये सिखाता हो कि लालच देकर, दबाव में या फिर किसी भी अन्य तरीकों से धर्म परिवर्तन कराया जा सके, कोई नहीं। इस पर सब पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक पैकेज देखिए, रिपोर्ट प्लीज। मुस्लिम लड़के ने की सारी हदें पार, लड़की को बनाया लव जिहाद का शिकार, पहले की हत्या फिर सूटकेस में डाला शव, आखिर कब रुकेगा लव जिहाद? बीजेपी सरकार एक तरफ लव जिहाद को रोकने के लिए पूरी तरीके से सख्त दिखाई देती है और उत्तर प्रदेश में इस पर कानून भी लागू कर दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर लव जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहे। बता रहे योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर लव जिहाद करने वाले को देशद्रोही करार दे दिया, लेकिन अब भी लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल पूरा मामला रुड़की परान कलियर का है, जहां एक मुस्लिम लड़का पहले हिंदू लड़की को होटल में बुलाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर उसकी बॉडी को सूटकेस में डाल देता है। वही पुलिस ने युवक से बातचीत की तो युवक ने बताया कि वो हिंदू लड़की के शव को लेकर नहर की ओर जा रहा था और खुद आत्महत्या करना चाहता था। उसने बताया कि वो गुलशेर देर शाह ज्वालापुर निवासी अपनी प्रेमिका के साथ कलियर स्थित एक होटल में आया था। कुछ देर बाद लड़का एक बड़ा सा सूटकेस लेकर बाहर की ओर जाने लगा तो होटल कर्मियों को उस पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने सूचना पुलिस को दे दी। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूटकेस खुलवाया तो उसके अंदर युवती का शव मिला। वही पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि वो दोनों पिछले 8 वर्षों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनके परिजन उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद दोनों ने आत्महत्या की योजना बनाई और कलियर में आकर कमरा ले लिया। यहाँ दोनों को जहर खाना था, युवती ने पहले जहर खा लिया और वो मर गई। इसके बाद युवक ने शव को सूटकेस में रख लिया और होटल से बाहर निकल गया। युवक ने बताया कि सूटकेस को लेकर नहर के पास जा रहा था, जहाँ शव को नहर में फेंकता और स्वयं भी आत्महत्या कर लेता। हालांकि पुलिस ने मुस्लिम युवक को हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। वही मौके पर पहुंचे रुड़की सीओ विवेक कुमार ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। वही मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, साथ ही मामले की जाँच भी शुरू कर ली गई है। बाकी काफी चीजें मिली है और लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर लव जिहाद पर तमाम कानून होने के बावजूद लव जिहाद रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जो मामला है किस तरीके से हिंदू बेटियों के साथ देश में लव जिहाद की बातें जो है घटनाएं जो बढ़ती रहती है,
लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि इस पर बात मत करें। इसको लेकर मेरे साथ यति नरसिंहानंद महाराज जी जुड़ गए हैं। गिरी जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी यति महाराज जी, सबसे पहले तो जब आज एक घटना हुई है रुड़की में, वहां पर एक लड़का जिसका नाम शमशेर बताया जा रहा है, वो एक होटल से बाहर निकलता है, सूटकेस में एक लड़की की लाश मिलती है। जी। आपको इसका संज्ञान होगा, लेकिन इसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं कि लव जिहाद का मुद्दा एक बार फिर से छिड़ गया है सर, एक बार फिर से छिड़ गया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप, जब हम बात करने वाले थे तो हमको बताया गया कि आप बहुत ज्यादा बोल देंगे तो हेट स्पीच हो जाएगा सर। देखिए असल में क्या है, आप अगर इस्लाम के जिहाद के खिलाफ कुछ भी सच बोलेंगे, उनके जिहाद के जितने भी तरीके लग जाएंगे, उसमें से एक तरीका है, आप जब भी सच बोलेंगे तो ऐसा हेट स्पीच बता के आपको रोक दिया जाएगा। लेकिन यति महाराज जी, इस पर आखिरी प्रहार किस तरह से होगा? कानून बनाकर होगा, कैसे होगा? जागरूकता बना, इस पर जागरूकता से होगा, कानून बनाकर कुछ भी नहीं होगा। देखिए मुसलमानों के जिहाद के खिलाफ इस देश में कोई कानून अब नहीं बनने वाला, उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि कोई कानून उनके खिलाफ बनने नहीं सकता, वो इतने ताकतवर हो चुके हैं, उनके साथी हर जगह है। आज हिंदू की हर बेटी उनके निशाने पर है, हर औरत उनके निशाने पर है, और लगातार वो हत्याएं कर रहे हैं, लगातार औरतों को बेच रहे हैं, मंडियों में बर्बाद कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर हो चुके हैं। लेकिन यति जी, एक और चीज सोचने वाली होगी कि ये जो घटनाएं होती है, इनका सिलसिला अगर आप देखेंगे तो एक जैसा मिलेगा। ये सूटकेस हम कितनी घटनाओं में देख चुके हैं कि ये सूटकेस ही मिलता है, सूटकेस में ही लाश मिलती है। देखिए आप इसे मोहम्मद से जोड़िए, मोहम्मद जिसने इस्लाम शुरू किया था उससे जोड़िए, जब से लेकर आप तक अगर कड़ियां जोड़े हैं तो आपको पता चलेगा कि ये एक क्रिमिनल्स का गिरोह है जो एक ही पैटर्न पर अपराध कर रहा है, लेकिन इनके खिलाफ जो बोलता है उसका कत्ल कर देते हैं, जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसका कत्ल कर देते हैं, इसलिए लोग डर जाते हैं। अब आपके जैसे युवा आवाज उठाना शुरू कर रहे हैं तो आप लोग साधुवाद के पात्र हैं, वरना ऐसी लाखों घटनाएं हैं, करोड़ों घटनाएं हैं पूरी दुनिया में, और ये केवल भारत में नहीं है, ये पैटर्न इनका पूरी दुनिया में है, ये पूरी दुनिया में इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन गिरी महाराज जी, आपको भी रोकने की कोशिश हुई थी, आपको भी जेल में डाल दिया गया था, एक महीना दो दिन, केवल इसीलिए कि मैंने ये कहा कि मुसलमानों की आबादी भयानक रूप से बढ़ रही है, और जहां की आबादी बढ़ जाती है वो उस जगह को कश्मीर बना देते हैं, वो जगह को अफगानिस्तान बना देते हैं, पाकिस्तान बना देते हैं, सीरिया बना देते हैं, अफगानिस्तान, तो उसी में मुझे जेल में डाल दिया गया था, एक महीना दो दिन में जेल में रहकर आया हूं। और हम भी ये बात करते रहेंगे, तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं वो बात करते हैं, आप भी बात करते हैं और तमाम लोग भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय में हर व्यक्ति ऐसी ही सोच का हो, कई अच्छे लोग भी, मेजोरिटी मुस्लिम समुदाय में हर व्यक्ति ऐसी सोच का नहीं है, लेकिन जो कुरान में विश्वास करता है, मोहम्मद में विश्वास करता है, केवल वो ही ऐसी सोच के हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि अब कौन सी पॉलिसी ऐसी बनाई जाए या क्या ऐसा कुछ किया जाए जिससे ऐसी चीजों पर तो रोक लग सके। और आज मैं देख रहा था कि लैंड जिहाद को भी लेकर एक विधायक है, उन्होंने लेटर भेजा है सीएम को। देखिए इसके लिए एक वैश्विक शुरुआत करनी पड़ेगी, केवल भारत का मसला नहीं है, ये केवल भारत का मामला नहीं है, पूरी दुनिया का मामला, पूरी दुनिया में इस गिरोह को नंगा करना पड़ेगा, इसके खिलाफ सख्त कानून तो बनाने बचाने चाहिए, वो तो जरूर, लेकिन जनता को भी अवेयर होना चाहिए, उन माँ बापों को भी अवेयर होना चाहिए जिनकी जवान बेटियां हैं, और हमारी लड़कियों को भी अवेयर होना चाहिए कि अगर वो इनके साथ प्रेम संबंध रखती है तो उनका अंजाम सबका लगभग एक जैसा ही होना है, या तो मंडियों में बिकना है या फिर जो है उन्हें सूटकेस में मिलना है। कुछ लव जिहादी है बड़े स्तर के, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी है, शहनवाज हुसैन है, ऐसे कुछ बड़े लव जिहादी है जो इनके लिए सो मतलब दिखावे का काम करते हैं कि देखो इनकी भी तो है, लेकिन फैक्ट ये है कि सारे मिले हुए हैं। ठीक है, ये अलग चीज हो गई, लेकिन एक और चीज जानना चाहेंगे गिरी जी। अलग नहीं है ये कि आप मुख्तार अब्बास नकवी को, शहनवाज हुसैन को अलग नहीं कर सकते, सिकंदर भट्ट, आरिफ बेग, ये जितने भी लोग हैं अलग नहीं कर सकते, ये तो असली ठीक है। ये ठीक है केंद्र मंत्री बन गए, लेकिन इस कारण इनको मतलब ये लव जिहाद कैसे नहीं कहा जा सकता, ये लव जिहादी ये भी है, लेकिन बस ये है कि ये सूटकेस में नहीं, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ठीक है गिरी जी, और जानना चाहेंगे ये इस चीज को और थोड़ा सा डिकोड करिएगा, इस चीज को और थोड़ा सा बताइएगा, प्रकाश डालिएगा कि ये कौन सी मानसिकता है जो इस चीज के लिए प्रेरित करती है कि एक युवा जिसको नौकरी में जाना है, धंधे में जाना है, बाकी चीजों में जाना है, वो उन चीजों में ना जाकर दरअसल कि एक लड़की को लालच देकर या उसको बहलाकर फुसलाकर उसको फंसाना है, उससे शादी करनी है, फिर उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराना है, फिर उसको मार देना है,
ये कहां से, ये प्रोपेगेंडा फैलता कहां से है? देखिए, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कुरान की सच्चाई है। कुरान ये कहती है कि अगर कोई भी मुसलमान एक काफिर की लड़की को बर्बाद करता है या काफिर की हत्या करता है तो उसे जन्नत मिलेगी फिर। और ये जो जन्नत है ना, मुसलमानों की जो जन्नत है जो कुरान और हदीसों में मिलती है, इस जन्नत ने पूरी दुनिया को नरक बना के रख रखा है। अब हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हिंदू बेसिक कॉज पर बात ही नहीं करना चाहता। हिंदू इस बात पर बात ही नहीं कर सकता कि कुरान और हदीसों में लिखा क्या है। हिंदू इस बात पर बात ही नहीं कर सकता कि मोहम्मद ने क्या किया। आपने जो मोहम्मद ने जो किया, एक आपने नाम सुना होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, जिनका पहला नाम वसीम रिजवी था, उन्होंने मोहम्मद और कुरान की सच्चाई को दुनिया के सामने ला के रखा। तो आज जो है वो जेल में है, जेल में 3 महीने होने वाले, वो जेल में है, कोई बोल भी नहीं रहा उनके लिए हिंदू। तो देखिए, हमें ये चीजों को समझना पड़ेगा, सच को स्वीकार करना पड़ेगा। हिंदुओं ने सच को स्वीकार करना छोड़ दिया है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदू सच को, हिंदुओं ने अपने कुछ सच बना रखे कि नहीं नहीं कुरान तो वेद जैसी है, कुरान तो गीता जैसी है। नहीं भैया, कुरान की वेद और गीता जैसी नहीं है। कुरान एक अलग किताब है, वो एक केवल गुट की किताब है। उनका अल्लाह केवल उनका अल्लाह है, हमारे लिए उनका अल्लाह शैतान है, जो हमारे कत्ल का हुक्म देता है, हमारी बेटियों को मंडियों में बेचने का हुक्म देता है, उनका अल्लाह हमारी बेटियों को बर्बाद करने का हुक्म देता है। तो उनका अल्लाह उनका भगवान हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो वो भयानक शैतान है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हमारे साथ यतीश जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद थे, जिनको आप सुन रहे थे। वो क्या कुछ कह रहे थे उन बातों से इत्तफाक हम नहीं रखते, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन उनका है, उन्होंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है कि इस बात पर वो क्या रखना चाहते हैं। लेकिन एक चीज स्पेसिफिक है, हम उनसे बस ये जानना चाहते थे, क्योंकि वो इन चीजों को पढ़ते हैं, उन चीजों को वो स्टडी करते हैं, कि आखिर ये कौन सी मानसिकता है, कौन सा माइंडसेट है जो एक युवा को इस ओर ढकेलता है, ये माइंडसेट कौन सा है। इस माइंडसेट को लेकर बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स ने, व्यूअर्स, बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बनाए, उसको रोकने की तमाम कोशिशें की। तो ये बात कहना कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है इसलिए मंथ बाय मंथ, वीक्स बाय वीक्स, ईयर बाय ईयर, यह आप सबके सामने होता है इन वेरियस मींस। आप इसको वेबसाइट पर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पर पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, लव जिहाद आता है, दैट मींस कि ये है। लेकिन इस पर आखिरी प्रहार करने की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी डायरेक्ट किसी एक रिलीजन से ताल्लुक रखता हो या एक रिलीजन में ये चीज सिखाई जाती हो, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई रॉन्ग नंबर है, कोई रॉन्ग नंबर है जो रॉन्ग प्रीचिंग्स दे रहा है। तो रॉन्ग नंबर को रोकने की जरूरत है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कहीं अंधेरा है, कहीं अंधकार है और रोशनी की किरण की जरूरत है, तो आवाज की टीम हमेशा वो रोशनी, वो किरण जगाने का, जलाने का और आपको उठाने का काम करती रहेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया।